जन औषधि दिवस पर बोले पीएम मोदी, भारत दुनिया की फार्मेसी है ये सिद्ध हो चुका है। बंगाल के ब्रिगेड परेड ग्राउंड के मंच पर पीएम मोदी पहुंचे, लगाए जय श्री राम के नारे। बंगाल में पीएम मोदी ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे के साथ संबोधन की शुरुआत की। पीएम मोदी का निशाना बंगाल में कमल खिलने के पीछे, यहां टीएमसी सरकार का कीचड़ ही कारण। पीएम मोदी ने आगे कहा, बंगाल में बीजेपी की सरकार आने पर झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों को पक्का मकान मिलेगा। बंगाल में पीएम मोदी बोले, दीदी और उनके कार्डर ने आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। बंगाल के ब्रिगेड मैदान के मंच पर पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, बीजेपी में हुए शामिल। बंगाल में बीजेपी की रैली में बोले मिथुन चक्रवर्ती, गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं। बंगाल में पामेला गोस्वामी और राकेश सिंह के केस में आर्यन देव नाम का शख्स हुआ गिरफ्तार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से पिछले 24 घंटे में देश में 18,711 नए मामले आए सामने, 100 लोगों की हुई मौत। आईपीएल 2021 9 अप्रैल से चेन्नई में आगाज, 30 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा फाइनल। इस साल जुलाई से पहले तिब्बत को बुलेट ट्रेन सेवा से जोड़ देगा चीन। पाकिस्तान के मुल्तान में हिंदू परिवार के 5 सदस्यों की हत्या। भारतीय मूल की 13 वर्षीय आन्या गोयल यूरोप मैथ ओलंपियाड के यूके टीम की सबसे युवा प्रतिभागी बनी। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन इस महीने के अंत में करेंगे भारत का दौरा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।